हल्द्वानी के भुजिया घाट की वादियां इन दिनों एडवेंचर स्पोर्ट्स की गवाह बन रही हैं। दरअसल यहां 16वें नेशनल माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों के 600 साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड में हो रहे इस आयोजन से न केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि माउंटेन बाइक रेस देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस रेस में उत्तराखंड के भाई बहन ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भाई कमलेश राणा इंडियन आर्मी से इस रेस में भाग ले रहे हैं, तो बहन पूनम राणा ने उत्तराखंड साइकिल एसोसिएशन की तरफ से इस रेस में हिस्सा लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट कमलेश राणा ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन पूनम से प्रेरित होने के बाद इस रेस में भाग लिया था। और मैं इंडियन आर्मी से कमलेश राणा, सिपाही, और मैं पिछले 2 सालों से इंडियन आर्मी से साइकिलिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं 3 बार फॉरेन कर चुका हूँ, और ये नेशनल में मेरा फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल है, और मेडल लेके अच्छा लग रहा है। और मेरी सिस्टर ने भी इसमें मेडल लिया गोल्ड, जिससे फर्स्ट टाइम जब 2018 में नेशनल हुआ था उस समय मेरी सिस्टर ने दोनों गोल्ड लिए थे, तो उनसे इंस्पायर हो गए। मैंने भी सोचा कि सिस्टर कर सकती थे, मैं भी कर सकता हूँ, तो इसलिए दोनों भाई बहन ने मिलकर कोशिश करी, और इसी तरीके से इस बार दोनों गोल्ड टाइम ट्रायल और फर्स्ट स्टार्ट में गोल्ड मेडल मिला। मैं अभी 2016 से साइकिलिंग स्टार्ट किया हुआ है, जो मैंने सबसे पहले नाबीडांग टू दिल्ली किया हुआ था। 1006 किलोमीटर की राइड थी, जो 14 दिनों में कंप्लीट किया था हमने, और उसमें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत यह अभियान लेते हुए हम लोग चले हुए थे। तो वहीं से मेरी जर्नी साइकिलिंग की स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद मैं लास्ट ईयर भी मेरा नेशनल पे डबल गोल्ड था, एक टाइम ट्रेल और मास्टर दोनों पे गोल्ड था। और उसके बाद काफ़ी सारे रेसेस किए हुए हैं, अभी MTB केरला यहाँ पे हुई थी, वहाँ पे नेशनल में फर्स्ट था गोल्ड, और इंटरनेशनल मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और भी काफ़ी सारे रेसेस किए हुए हैं मैंने। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे उत्तराखंड में रेस हुई है, यहाँ पे भी मेरा टाइम ट्रेल में गोल्ड है और मास्टर में भी गोल्ड है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे उत्तराखंड में हमारा। वहीं खेल आयोजक का कहना है कि देश भर के दर्जनों साइकिल ट्रैक में उत्तराखंड का ये साइकिल ट्रैक सबसे ज्यादा चर्चित और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया गया है, जिसे देश भर से आए साइकिलिस्ट काफी पसंद कर रहे हैं। आज इसमें 3-4 हमारी डाउनहिल रेस को मिला के लगभग 4 रेसेस थी मास स्टार्ट, जो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, उसके बाद डाउनहिल स्टार्ट होगा। तो किस तरह से मतलब इसका उद्देश्य क्या है यहाँ कराने का, और किस तरह से साइकिलिस्ट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर? ये जो साइकिलिंग का जो है, ये तो नेशनल है, हम लोग पहले से साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं, और साइकिलिंग एसोसिएशन हम लोगों ने यहाँ बनाई, जिसको मान्यता मिली हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से। तो इस बार हमने, क्योंकि हमारा स्टेट माउंटेन बाइक के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जो ट्रैक्स वगैरह हैं जो चाहिए माउंटेन बाइक के लिए इंटरनेशनल लेवल के, वो सब उपलब्ध हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने इस बार कन्विंस किया साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि आप हमें ये करने का मौका दें इसके आयोजन का, तो हम इसे करा के दिखाएंगे। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ आने के बाद ये कहना है कि आज तक जितने माउंटेन बाइक चैलेंज हुए हैं, मतलब एक्चुअली आज तक किसी भी माउंटेन बाइक चैलेंज में इतना बढ़िया अरेंजमेंट्स ट्रैक कहीं नहीं मिला। 16वीं नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप ने न सिर्फ उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, बल्कि एडवेंचर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।